सेवा जोहार, मेरा नाम शताली शेडमाके है। मैं महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के दरेकसा नाम के एक छोटे से गांव में रहती हूँ और अभी मैं यहाँ दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में गोंडी भाषा के मानकीकरण की वर्कशॉप में आई हुई हूँ, जिसका अभी 8वीं वर्कशॉप चल रही है। यहाँ पर आते ही मैंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के गेट पर एक आदिवासी संस्कृति का एक मैंने एक बड़ा सा गेट देखा यहाँ पर सेकेंड एंट्रेंस में, और उसके बाजू में एक मैंने प्लेट देखी है जहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो मैंने इसे पढ़ा और उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ जो जानकारी दी गई है इसका मैं विरोध करती हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि बस्तर के जीव जंतुओं को नष्ट करके भैंसासुर और दूसरे राक्षस आदिवासी जनजातियों का नाश करना चाहते थे और अपनी हुकूमत को कायम करना चाहते थे। तब माँ दंतेश्वरी और माबली देव दोनों पति पत्नी बस्तर की रक्षा के लिए बड़े डोंगर गांव की पहाड़ी पर प्रकट हुए। भैंसासुर के साथ माँ दंतेश्वरी का द्वंद्व युद्ध हुआ। माँ दंतेश्वरी ने भैंसासुर का जूड़ा पकड़कर जोर की लात मारी। इसमें भैंसासुर बस्तर सरहद के अंतिम छोर पर संकनी और डंकनी नदी के संगम में जा गिरा और वहीं पर भैंसासुर का अंत हो गया। इसके बाद माँ दंतेश्वरी दंतेवाड़ा में जाकर पत्थर बन गई और राजा भैयरम देव उनका पुजारी बन गया। उस दिन से माँ दंतेश्वरी एवं माबली देव को बस्तर में प्रमुख देवी देवता का दर्जा मिला और आज भी उन्हें प्रमुख देवी देवता के रूप में पूजते हैं। दूसरी बात यहाँ पर लिखा गया है, माँ दंतेश्वरी और माबली देव के चार पुत्र थे। इन चारों पुत्रों को लिंगो देव के नाम से जाना जाता है। इन चार भाइयों के नाम से आंगा खिलौना बनाने के लिए माँ दंतेश्वरी ने आदिवासियों और लोहार जाति के लोगों को आदेश दिया। यहाँ पर जो चीज़ें आई हैं तो मैं पहली बात ये बताना चाहूँगी, स्पष्ट करना चाहूँगी कि बस्तर में भैंसासुर और जो दूसरे राक्षसों की बात कही गई है वो हम आदिवासी हैं। हम अपने आप को रक्षक नहीं, राक्षस नहीं, रक्षक मानते हैं और भैंसासुर कोई दूसरा नहीं, हमारा राजा था। दंतेश्वरी एक महान समाज सेविका हुई है जिन्होंने वहाँ के लोगों के लिए, आदिवासी थी, उन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत काम किया, इसलिए हम उनको माता का दर्जा देते हैं, याया कहते हैं, दंतेवाड़ी न्याया। दूसरी बात यहाँ पे लिखा गया है कि माँ दंतेश्वरी और माबली देव के चार पुत्र थे जिनको लिंगो देव के नाम से जाना जाता था। पहांदी पारी कुपार लिंगो ये हमारे आदिवासियों के एक गुरु हुए थे जिन्हें हम देवता करके पूछते हैं। वो एक इंसान थे, उन्होंने हमारी गोत्र व्यवस्था गढ़ी है जिससे आदिवासी, हम आदिवासी आज भी उस गोत्र व्यवस्था को फॉलो करते हैं, आज भी मानते हैं। दूसरी बात यहाँ कही गई है कि आंगा नाम का खिलौना बनाया गया। आंगा एक हमारे लिए देवता है जिसे हम पेन शक्ति कहते हैं। जैसे मैं शर्मा के हूँ, चार देव हूँ, मेरा ठाना चिंगनार है। कहते हैं कि मैं शर्मा के लोगों का उद्गम स्थल चिंगनार है और जहाँ पर हमारी उत्पत्ति हुई है, मेरे दादा, परदादा, दादी जो भी मरे हैं उनको हमने देवता के रूप में लकड़ी के आंगा में समाविष्ट किया और हर साल हम अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं जिसको हम पेन करसाड़ कहते हैं, जिसे हम हमारे आंगा को पूजते हैं। तो यहाँ पे हमारे देवताओं को खिलौना बोलना ये एक गलत है और मैं इसका भी विरोध करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस तरह का जो इतिहास की बातें जो गलत तरीके से लिखी गई है, इन चीज़ों को कृपया इस तरह से प्रस्तुत करना बंद किया जाए, क्योंकि वैसे भी हमारे आदिवासियों का साहित्य मौखिक रहा है, लिखित में नहीं ज़्यादा है। तो जिस तरह से ये लिखा जा रहा है या फिर लिखा गया है कि जो गलत धारणाएं हैं वो कृपया दूर होनी चाहिए, इस पर और रिसर्च होना चाहिए और जो सत्य है उसे सामने लाना चाहिए। जिस तरह से खिलौना लिखा जाता है या हम आदिवासियों को राक्षस लिखा जाता है या हमें डोमिनेट किया जाता है वो एक तरह से गलत है। कृपया इन चीज़ों के बारे में सोचिए, इस पर और अभ्यास कीजिए और जो सत्य है उसे लिखिए या तो फिर ना लिखो। हम आदिवासी खुश हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गंवार हैं। हमारे पास हमारा प्रकृति का ज्ञान बहुत है, कृपया उसकी रिस्पेक्ट करें। और इस तरह का अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो कृपया इनको हटाकर जो सत्य है उसे लिखा जाए। बस, धन्यवाद।